गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम DCM टेस्ट सीरीज का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, MTS 9 का। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूट वन इन किसके अंदर फॉर्म होता है। तो देखो, यहाँ पे एस्टर दे रखा है और यहाँ पे एस्टर को जब आप हीटअप करते हो तो बेसिकली आपके पास EI मैकेनिज्म फुल होता है और EI मैकेनिज्म के अंदर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास हार्मोन अल्किन बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से यहाँ से एच चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर यहाँ से हट जाएगा, कुल मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, वन ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड केस कंसिडर करते हैं, तो जो सेकंड केस दे रखा है बेसिकली आपके पास पहले 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, अगर मैं H2SO5 के साथ रिएक्शन करूँ या फिर किसी भी परोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इस कंडीशन में आपके पास क्या बन जाता है, 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड को अगर आप हीटअप करते हो तो अगेन यहाँ पे कॉप एलिमिनेशन हो जाता है और कॉप एलिमिनेशन के दौरान यहाँ से आपके पास क्या O- जो है बीटा पोजीशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला बॉन्ड इधर यहाँ से लिविंग ग्रुप फट जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास अगेन वन ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड वाला केस कंसिडर करते हैं, ये बेसिकली ऑपमन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। OH-20H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर ऑपमन एलिमिनेशन के अंदर वापिस मेजर प्रोडक्ट ऑपमन एल्किन का फॉर्मेशन होता है तो बीटा पोजीशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीटा पोजीशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो NR3 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप के रूप में हट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक तरह से वन ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम अगर मैं ये वाली बात करूँ तो ये वाला NR3 पॉजिटिव है, SR2 पॉजिटिव है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीटा पोजीशन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा। इस कंडीशन में आपके पास वन ब्यूटीन, प्रॉब्लम क्या पूछा गया है कि वन ब्यूटीन किसके अंदर फॉर्म होगा। तो बड़ा वन ब्यूटीन फर्स्ट के अंदर भी फॉर्म होगा, सेकेंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा एंड फोर्थ में भी होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा बड़ा कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रॉब्लम सेकंड। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्च रिडक्शन इज करेक्ट। आपको बताना है कि बर्च रिडक्शन कौन सी करेक्ट है। तो देखिए, अगर आपके पास बेंजीन रिंग दे रखी है और बेंजीन रिंग को अगर Na+ लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन कराऊं, ठीक है ना, उस कंडीशन में एक पाई बॉन्ड रिड्यूज हो जाता है, पाई बॉन्ड रिड्यूज होकर आपके पास ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस आपके पास जो दे रखा है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, बेसिकली ये वाला जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आपको वो चीज़ कंसिडर करनी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो, मिनिमाइज हो। जैसे कि यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग दे रखी है और सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम का काम इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक तरह से यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है ना, अब इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो आपको इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा और मैक्सिमम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास क्या है, रिपल्शन कम होगा। उसके बाद में फाइनली NH3 क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एक बार तो यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर बाद में सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये वाला H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो HH इस पोजीशन पे जुड़ता है और इस कंडीशन के अंदर ध्यान दीजिए बेटा, फर्स्ट वाला जो है आपके पास ये वाला गलत हो जाएगा, इसके अंदर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। सेकंड केस ध्यान दीजिए, अगर बाय द वे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे रखा हो बर्च रिडक्शन के अंदर, Na+ लिक्विड NH3 दे रखा हो, ठीक है ना, उस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में आपके पास ये वाला डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के केस में इस तरीके का बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में आपके पास क्या होगा, ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये वाला डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, उसमें डबल बॉन्ड इन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, अभी CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में जस्ट अटैच में डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से, तो सेकंड वाली बात क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाली बात करें CH का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, थर्ड वाली बात क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ वाले में ये ऐसा नहीं है, इसमें और इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है, ये वाला फोर्थ गलत हो जाएगा। जिसका सही आंसर होगा वो बेटा कौन सा होगा, सेकेंड एंड थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलिए, थर्ड वाला आपको बताना है। थर्ड के अंदर क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको ये पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, द चीप ओर ऑफ जिंक इन सिनेबार, देखिए ध्यान दीजिए, सिनेबार जो होता है वो HGS होता है। ठीक है ना, तो HGS के अंदर तो ZN है ही नहीं, तो ZN की तो हो ही नहीं सकती, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड, महाकर्तृक प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, ध्यान दें महाकर्तृक फॉरेस्ट प्रोसेस जो होता है ना AZ एंड AU के लिए होता है, तो सिल्वर के लिए यूज होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
थर्ड क्या कह रहा है, रोस्टिंग इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। ध्यान दीजिए, जब हेमेटाइट ओर से एक्सट्रैक्शन करते हो तो रोस्टिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे FeO अगर प्रेजेंट है इंप्योरिटीज की फॉर्म में, तो FeO का आपको फर्दर क्या कराना होता है, ऑक्सीडेशन कराना होता है, Fe2O3 में कन्वर्ट करना होता है, तो इस वजह से वहां पे रोस्टिंग की जरूरत पड़ जाएगी। फोर्थ वाला क्या है, नेचुरल रिएजेंट इज यूज। देखो नेचुरल रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, K2HgI4 प्लस साथ में क्यों है, मतलब K2HgI4 का अल्कलिन मीडियम जो है वो क्या कहलाता है, नेचुरल रिएजेंट कहलाता है। पूछा क्या गया है कि इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है प्लस टू, भाई जिंक है ही नहीं यहाँ पे, क्या एच जी प्लस टू के अंदर प्रेजेंट होता है, जिंक है ही नहीं, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर बेटा क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है विच कैन बी यूज एज बफर। आपको बताना है बफर के रूप में कौन यूज कर सकते, तो आयनिक लिक्विड में आपने पढ़ा होगा, तो बफर में आपको ध्यान रखना है कि देखो सॉल्ट होना चाहिए या तो वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड प्लस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन ये वाली है। दूसरी कंडीशन हम जल्दी क्या पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बेस होना चाहिए और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जल्दी हम पढ़ते हैं, वीक एसिड प्लस साथ में क्या होना चाहिए, वीक बेस का कोई भी सॉल्ट होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो है NH4CN जो है वो बेसिकली NH4OH प्लस साथ में HCN का मिक्सर एक तरह से सॉल्ट है। ये वाला क्या है, वीक बेस और ये वाला क्या है, वीक एसिड। तो ये वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट, इस वजह से क्या होगा, बफर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट और सेकंड, पहला फर्स्ट वाला देखिए, CH3OH दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे CH3OH लेता हूँ, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूँ, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस साथ में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH3OH का कंसंट्रेशन NaOH के मुकाबले में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कम अमाउंट में होगा, तो ये वाला क्या करेगा, LR लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ भी करेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन ये कुछ बच जाएगा, इसका पार्ट बचेगा और साथ ही साथ इसका पार्ट बनेगा। तो मतलब इस मिक्सर के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का, सॉरी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट साथ, सॉल्ट के साथ में वीक एसिड का कॉम्बिनेशन वहां पे प्रेजेंट होगा मिक्सर के अंदर, और प्रेजेंट होगा जिसका मतलब ये वाला क्या करेगा, बफर की तरफ बिहेव कर लेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला भी बफर की तरफ बिहेव कर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसकी अगर बात करूँ HCl, तो यहाँ पे जरा ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं लेता CH3CON, अगर बाय द वे इसको HCl के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनना चाहिए, देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनना चाहिए, CH3COH प्लस साथ में क्या बनना चाहिए, NaCl बनना चाहिए, अगर बाय द वे हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ मैं, सॉरी HCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ। अब देखो इसमें कंसंट्रेशन इसका ज्यादा दे रहा, इसका ज्यादा दे रहेगा तो HCl क्या बनेगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ भी कम अमाउंट में, तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और ये कुछ बचेगा और ये कुछ बनेगा। अब ये कुछ बच रहा है और ये कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट प्लस साथ में वीक एसिड का मिक्सर है, तो इसका मतलब ये भी बफर की तरह बिहेव करेगा। अगला वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है और यहाँ पे क्या है, वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या करेगा, बफर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें बफर जो है, चारों ऑप्शन जो है वो बफर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलिए पांचवा प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए पांचवा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BSO4 इज 3.06 × 10⁴ - 6 दे, ठीक है, फिर बाद में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा अपने पास 1.53, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, पहले मैं मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा, एक तरह से n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगा। ठीक है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी BSO4 के अंदर क्या लोगे, n फैक्टर BSO4 का 2 आएगा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.53, तो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू 1.53 है, ये लैम्डा m। अब देखो आपको मालूम होना चाहिए कि लैम्डा m बराबर क्या होता है, ठीक है ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा, एक तरह से m आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, मोलरिटी आएगी, तो लैम्डा m की वैल्यू 2 × 1.53 इज इक्वल टू कितना आएगा, कप्पा की वैल्यू अपने पास दे रही है 3.06 इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा m, यहाँ से आप क्या करोगे m को कैलकुलेट करोगे, लेकिन m जो आएगा यहाँ पे मोल पर लीटर में आएगा। ठीक है ना, m जो आएगा वो आपके पास किस में आएगा, मोल पर लीटर के अंदर आएगा। तो m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू जो होगी अपने पास कितनी आएगी बताइए, 2 × 1.53, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा, m इज इक्वल टू 3.06 × 1000, ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा 2 × 1.53 आ जाएगा, यहाँ से m आ गई, ठीक है ना, और यहाँ पे m को ही हम क्या मान सकते हैं, सॉल्युबिलिटी मान सकते हैं, लेकिन ये मोल पर लीटर में आएगी, ठीक है ना, किस में आएगी, मोल पर लीटर। अब यहाँ पे आपको ग्राम पर लीटर में निकालना, देखो कही गई ग्राम पर लीटर में दे रखी, तो ग्राम पर लीटर में दे रखी, तो BSO4 की अगर बात करूँ, BSO4 का
मोलिकुलर वेट जो होता है 233 होता है, ठीक है ना, BSO4 का मोलिकुलर वेट 233, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इससे आपके पास क्या आएगा 3.06 इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 1.53 इंटू आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक तरह से 233 से, क्योंकि ये मोल पर लीटर में, तो यहाँ से 233 इसका BSO4 का मोलिकुलर वेट होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 233 और 233 आएगा तो ये आएगी वैल्यू आपके पास ग्राम पर लीटर के अंदर, ठीक है ना। और ये वाली जो वैल्यू आती है आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2.33 इंटू 10^-1 ग्राम पर लीटर आएगी, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी आपके पास कितनी आएगी, एस की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 2.33 इंटू 10^-1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं किसकी, KSP की, ठीक है ना। अब KSP बराबर क्या होगा, KSP बराबर क्या होगा, BSO4 के लिए अगर देखा जाए तो ये किसमें टूटेगा, Ba+2+7 में, SO4-2 में टूटेगा, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस, तो KSP की वैल्यू क्या आएगी, एस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक तरह से एस और एस को क्या करोगे, ये वाली वैल्यू सॉल्युबिलिटी, एस और एस को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, आपके पास फोर्थ वाला। लेकिन ध्यान दें ये मोल पर लीटर में, ध्यान दीजिए मोल पर लीटर में, हमने ये निकाली ग्राम पर लीटर में, यहाँ पे जो KSP एस की जो वैल्यू लेनी है ना वो आपको ये वाली लेनी, ठीक है ना, मोल पर लीटर वाली लेनी। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 10^-6 के बराबर आएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्यूपुलेशन, क्यूपुलेशन के बारे में बताना है। देखो क्यूपुलेशन का मेथड तब यूज किया जाता है जब इंप्यूरिटी जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, मेटल के मुकाबले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज अप्लाइड फॉर दोज क्रूड मेटल व्हिच हैव इंप्यूरिटी आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन मेटल, सही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड, इट इज अप्लाइड फॉर दोज क्रूड मेटल इन व्हिच इंप्यूरिटी, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता भाई, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज यूज टू रिमूव लेड इंप्यूरिटी फ्रॉम सिल्वर, ध्यान देखिए अगर Ag+PB का मिक्सचर दे रखा है जिसके अंदर इंप्यूरिटी इसकी आपके पास PB की इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, ठीक है ना, Ag के अंदर, तो PB इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर Ag के अंदर PB की इंप्यूरिटी को हटाना है तब क्यूपुलेशन का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिए, अगर PB के अंदर Ag की इंप्यूरिटी को हटाना है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि PB के अंदर अगर Ag की इंप्यूरिटी हटाना है तो अब आप इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं पार्क पैटिशन मेथड। वापस मेरी बात को रिपीट कर लेता हूँ, एक होता है पार्क पैटिशन मेथड और एक होता है क्यूपुलेशन। क्यूपुलेशन का मेथड किसके लिए होता है, जब Ag के अंदर PB की इंप्यूरिटी प्रेजेंट हो, Ag से अगर PB की इंप्यूरिटी हटानी है तो क्यूपुलेशन का मेथड यूज करते हैं। और आपको पूछे पार्क पैटिशन मेथड पूछे, तो अगर PB के अंदर Ag की इंप्यूरिटी प्रेजेंट है और Ag को हटाना है तो इसके लिए हम पार्क पैटिशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड वाला, इट इज यूज टू रिमूव इंप्यूरिटी लेड इंप्यूरिटी फ्रॉम सिल्वर, मतलब सिल्वर से लेड की इंप्यूरिटी हटानी, बात सही। फोर्थ वाला क्या, इट इज यूज टू रिमूव सिल्वर इंप्यूरिटी फ्रॉम लेड, गलत बात। इसमें इसके लिए तो ये पार्क पैटिशन मेथड यूज करना है, ठीक है ना। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट एंड थर्ड वाला आंसर आएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए सेवंथ प्रॉब्लम, ध्यान दें सेवंथ प्रॉब्लम बताने की जरूरत है, एकदम सिंपल है। आप पूछा गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती या फिर किसी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इंटेंसिव होगा, प्रेशर भी इंटेंसिव होगा, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा F/2nRT फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का जो होता है F/2nRT फॉर्मूला होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या नहीं होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। और हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला आप बोलते, हीट बराबर क्या होता है, हीट कैपेसिटी बराबर क्यू अपॉन टी, तो टी तो नहीं लेकिन हीट जो है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसका मतलब हीट की कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो इसमें क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एट प्रॉब्लम देखिए बेटा क्या कह रहा है, इन ए 7 लीटर इवेक्यूटेड वेजल 0.5 मोल H2 एंड 0.5 मोल I2 रिएक्ट एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज, आपको बताना क्या है। स्टार्ट में क्या दे रखा है, H2+I2 के साथ रिएक्शन दे रखी है, इससे आपके पास क्या मिल रहा है, 2 मोल HI मिल रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट में इसके 0.5 मोल दे रखे, इसके भी 0.5 मोल दे रखे, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो मैं क्या करता हूँ, बाय द वे एक्स मोल रिएक्ट कर रहे, तो 0.5 - x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0.5 - x, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 2x, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे
इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपके पास क्या होगा, टोटल मोल अगर काउंट करोगे तो 0.5 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एन टोटल जो होगा वो आपके पास 1 मोल के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ केपी, ठीक है ना। तो केपी की वैल्यू क्या है, तो देखो केपी बराबर जो होता है वो आपके पास केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी के बराबर होता है। अब ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, 2 - 2 कितना होगा, 0। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पे केपी बराबर क्या आएगा, केसी। तो इस इक्वेशन में केपी बराबर क्या आ रहा है, केसी आ रहा है, और केसी की वैल्यू 49 दे रखी है, तो आपके पास केपी की वैल्यू कितनी आएगी, 49 के बराबर। तो फर्स्ट वाला आंसर आपके पास केपी आएगा। फिर बाद में क्या पूछा, टोटल प्रेशर इन द वेजल इज, आपको टोटल प्रेशर बताना है। तो प्रेशर का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी, ठीक है ना। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम अपने पास कितना देगा, 7 लीटर, 7 इज इक्वल टू एन टोटल, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0821 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर 427 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर लोगे तो केल्विन में वैल्यू आएगी इसकी, 700 केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ से जो प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8.21 एटीएम के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर वेजल का वो आपके पास कितना आएगा, 8.21 एटीएम। तो सेकंड ऑप्शन क्या, अगर टोटल प्रेशर इन द वेजल इज 8.21 एटीएम, तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, 0.01 मोल अनरिएक्टेड पूछ रहा है, ठीक है। तो अनरिएक्टेड की अगर बात करूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान दीजिए, वापिस रिएक्शन लिख लेता हूँ, H2+I2 विल गिव यू 2H, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 0.5 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 0.5 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 2H, ठीक है ना। अब देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, केसी की वैल्यू लिख सकता हूँ, तो केसी बराबर कितना होगा, आपके पास क्या आएगा, 2X, और प्रेशर मोलर रेटिंग निकालोगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, 0.5 माइनस एक्स अपॉन 7 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.5 माइनस एक्स अपॉन 7, ठीक है ना। इससे केसी की वैल्यू, केसी बराबर 49 दे रखा है, ठीक है ना। ये आपस में यहाँ पे क्या आएगा, एक तरह से 2X डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 0.5 माइनस एक्स अपॉन 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 7 इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 2X अपॉन में क्या आएगा, एक तरह से 0.5 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कैलकुलेट करो तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.5 माइनस 7X इज इक्वल टू कितना आएगा, 2X, तो 9X इज इक्वल टू कितना आएगा, 3.5, ठीक है ना। तो X की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास 3.5 डिवाइड बाई कितनी आएगी, 9 के बराबर आएगी, ये वाली आपके पास X की वैल्यू आएगी। आपको पूछा क्या है, अनरिएक्टेड पार्ट पूछा है, ठीक है ना, अनरिएक्टेड आएगा, अनरिएक्टेड कितना होगा, 0.5 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से 0.5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 3.5 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना, 3.5 डिवाइड बाई 9, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.388 के बराबर। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.112 के बराबर आएगा, तो 0.112 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.11 मोल के बराबर आएगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर निकालना, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, तो इसके मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, यहाँ पे मैं लेता हूँ एच आई का पार्शियल प्रेशर, दैट विल इक्वल टू इसके मोल कितने, 2X अपॉन टोटल मोल 1 थे ही, इंटू टोटल पार्शियल प्रेशर अपने पास कितना निकालते, 8.21, ठीक है ना। इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप कर लोगे, तो वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ से ऑल ओवर वैल्यू जो आएगी वो आपका 6.385 एटीएम के बराबर आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर फोर्थ भी आ जाएगा। तो इसमें आपको ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, चारों ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए, नाइन्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। नाइन्थ वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अल्काली मेटल, अल्काली मेटल के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बताना, ठीक है ना। तो देखो क्रिस्टलिन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहले मैं आपको बता दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें ना, क्रिस्टलिन फॉर्म में सोडियम Na+ की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, और Na+ की साइज स्मॉल होने की वजह से ये जो HCO3- जो आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पे HCO3- की बात करें, O- है, यहाँ पे क्या आएगा, OH। सेम केस वापिस को मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस जगह पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पे O-, ठीक है ना। सेम यहाँ पे OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा, OH-, ठीक है।
इनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एन ए प्लस की साइज स्मॉल है तो इसके बीच में इंट्रैक्शन बना रहेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या करता है, इन्फाइनाइट चेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे, क्रिस्टलिन सोडियम बाइक्रोमेट SO3-N9 फॉर्म इन्फाइनाइट चेन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमने बता ही दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाए। सेकेंड, बाइकार्बोनेट डू नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद के प्लस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे KHCO3 जो है वो बेसिकली डाइमर की फॉर्म होता है। डाइमर मतलब इन्हें कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबल वाले जो है वो क्या नहीं करते, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इस वजह से सेकेंड वाला जो है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता, स्टेटमेंट सही हो जाए, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, देखो आपने पढ़ा होगा LiHCO3 जो है वो केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। आप इसमें एग्जिस्ट नहीं करा सकते, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इवन सेकेंड ए के जितने भी बाइकार्बोनेट है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और फर्स्ट ए के अंदर LiHCO3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो देखो बाइकार्बोनेट ऑफ ऑल अल्कली मेटल एक्सेप्ट ऑफ लिथियम आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मतलब लिथियम को छोड़ के बाकी सभी जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड वाली बात सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, KSCO3 फॉर्म व्हेन CO2 रिएक्ट विद KO2। अब देखो CO2 को KO2 के साथ रिएक्शन कराता हूं मैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर बाय द वे आपके पास मैं CO2 की रिएक्शन कराऊं किसके साथ, CO2 की रिएक्शन KHCO3 के साथ, सॉरी CO2 की रिएक्शन में KO2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं CO2 की रिएक्शन KO2 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो इस दौरान आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ये चेक कर, और मीडियम इसके अंदर वाटर दे ही रखा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास अगर KO2 लेता हूँ, ठीक है ना, तो KO2 का पार्ट टूटेगा तो K2O+ साथ में O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और K2 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो K2CO3 बना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान दें, इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो K2CO3+O2 बन जाएगा, ठीक है। अगर बाई द वे CO2+ साथ में K2 की रिएक्शन कराऊँ तो इस समय आपके पास K2CO3+ साथ में O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें मीडियम वाटर दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर वाटर दे रखा है, ठीक है ना, और वाटर प्लस साथ में एक्सेस में क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है, ठीक है ना, एक्सेस में CO2 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो है कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोनेट को CO2+H2 के साथ रिएक्शन करो तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, तो बाइकार्बोनेट प्लस O2 बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि KHCO3 फॉर्म व्हेन CO2 को एक्सेस में दे रखा है और साथ में मीडियम वाटर दे रखा है, तो इस कंडीशन में KHCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसके आंसर जो आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए, अगली वाली प्रॉब्लम जो है वो आपके पास इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है ना। इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम में आपको बताना है कि ये वाला नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन दे रही। बेसिकली यहाँ पे एल्डिहाइड की OH- के साथ रिएक्शन करा, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे, और अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो इसके अंदर आपके पास क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। दो मोल दे ही रखे तो मैं दो मोल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा CH और यहाँ पे CH3, और इसको मैं ले सकता हूँ C=H, ठीक है ना। ये OH- के H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, कार्बेनेन बन जाता है, और कार्बेनेन बन जाएगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा, और ये वाला किस में कन्वर्ट होगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, C यहाँ पे pH, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3, और यहाँ पे CHO बन जाएगा। आपको पूछा गया प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताना है, तो एक कायरल कार्बन तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला होगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने आएंगे, 3 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो ये अब सिमेट्रिकल है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये सूडो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन तो नहीं लेकिन सूडो कायरल कार्बन। तो देखो यहाँ पे दो केसेस ध्यान रखने कि जब दोनों तरफ ज्योमेट्रिकल सेंटर और बीच में सूडो कायरल कार्बन हो तो सूडो वाला फॉर्मूला लगाना है। सूडो वाला फॉर्मूला आपको पता है 2n-1, ठीक है ना, 2n-1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर के लिए फॉर्मूला 2n-1 टोटल के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2n-1 मतलब 2^3 कितना आएगा, 1, 2^3-1 मतलब 2^2=4 के बराबर आएगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर कितना आएंगे, 4 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे दे देता है, जैसे कि बाय द वे इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से दे रखा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, Cl और यहाँ पे CH3, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास बीच में ज्योमेट्रिकल सेंटर और दोनों तरफ कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो बीच में ज्योमेट्रिकल सेंटर और दोनों तरफ कायरल कार्बन आए,
तो इसके अंदर नंबर ऑफ हिस्टोरियाइसोमर क्या लगेंगे, छह आएंगे। इसमें फॉर्मुला आपको ज्योमेट्रिकल का लगाना पड़ेगा, टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, तो तब आपके पास कितना आएगा, छह के बराबर। जबकि अगर बीच में सुडो कायरल कार्बन आए और दोनों तरफ ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तब ऑप्टिकल का फॉर्मुला लगाना। तो ऑप्टिकल का फॉर्मुला लगा कोई टोटल वाले में, ऑप्टिकल का फॉर्मुला तो टू की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, फोर। तो ये वाले में ध्यान रखना फोर आएगा, जबकि इसके आपके अंदर आपके पास कितना आएगा, सिक्स के बराबर आए, ठीक है ना। इसके अंदर अगर ऑप्टिकली एक्टिव पूछे तो कितना आएंगे आपके पास, दो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना आएंगे, दो के बराबर आ जाएंगे, ठीक है भाई। इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, थर्ड वाला ऑप्शन। तो बड़ा थर्ड वाला क्या कह रहा है, अगर मैं इसको हीटअप करता हूँ तो इसमें वाष्प या फिर गैसीय प्रोडक्ट कितने बने। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दें, एन एच फोर का ट्वाइस सी टू ओ फोर, ठीक है ना। अगर एक बार की अगर देखा जाए ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन एच थ्री प्लस साथ में एच टू सी टू ओ फोर, ठीक है ना। ये इन दोनों से बना होगा। अब एच टू एन अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में ही रहने, ठीक है ना। एच टू सी टू ऑक्सीजेट को जब भी हीटअप करते हो तो कार्बोनेट प्लस साथ में सी ओ प्लस एच टू, और यहाँ पे एच है तो कार्बोनेट में एच टू ओ प्लस सी ओ टू टूट जाएगा। तो यहाँ पे एच टू ओ प्लस सी ओ टू में टूट जाएगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजेट में ध्यान रखें साथ में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कभी भी जब भी आपके पास ऑक्सीजेट दे रखे हो तो ऑक्सीजेट को जनरली हीटअप करते हो तो क्या बनता है, नॉर्मली कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना, प्लस साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे जब H प्रेजेंट है तो एच टू सी ओ थ्री बन जाएगा इस जगह, और एच टू सी ओ थ्री डिकम्पोज होकर किस में चल जाएगा, सी ओ टू प्लस एच टू के अंदर। तो सी ओ टू प्लस एच टू यहाँ पे मिली रही और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी और अमोनिया। तो टोटल नंबर ऑफ गैसीय प्रोडक्ट कितना आएंगे, वन टू थ्री एंड फोर। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, फोर के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला वाला प्रॉब्लम ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्स टू एंड वाई टू इतनी इतनी वैल्यू दे रखी, ठीक है ना, फॉर द रिएक्शन, और डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास दे रखी, ठीक है। और आपको क्या बताना है, टेम्परेचर ठीक है दे रखा, आपको वैल्यू निकालनी है टी माइनस टी डिवाइड बाई 375 केल्विन बताना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो कितना था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा एच बराबर क्या आएगा, टी डेल्टा एस के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास दे रखी, ठीक है ना, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी। अब आपको पहले निकालनी डेल्टा एस, डेल्टा एस जो होगा एस किसका, प्रोडक्ट का माइनस एस रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में एक्स वाई थ्री के लिए कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई थ्री के लिए 50 माइनस रिएक्टेंट में यहाँ पे एक्स टू आ रहा है 1/2, एक्स टू, एक्स टू के लिए कितनी दे रखी है, एक्स टू के लिए 60 दे रखी, माइनस कितना करोगे 3/2, और वाई टू के लिए कितनी दे रखी है आपके पास, 40 के बराबर दे रखी। तो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू जो आएगी ये 50 माइनस ये कितना आएगा 30 माइनस ये कितना होगा अपने पास 20 हो जाएगा, और ये 60, ठीक है ना। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 40 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू माइनस 40 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो डेल्टा एस माइनस 30, तो माइनस 30 इंटू 10 रेज की पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि किलो की जूल में दे रखी है, इंटू टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, माइनस 40, ठीक है ना। ये वाली माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टी बराबर कितना आएगा, 3000 डिवाइड बाई अपने पास 4 के बराबर है। तो यहाँ से टी अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आपके पास कैलकुलेट करना 750 के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, टी डिवाइड बाई 375, तो आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, 370 टी की वैल्यू 750 डिवाइड बाई 375 करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास कितना आएगी, 2 के बराबर। इसका आंसर जो कपड़े कितना आएगा, 2 के बराबर आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पास ग्राफ दे रखा है लॉग वर्सेज इसके बीच में, एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी के बीच में ग्राफ दे रखा है। पूछा गया क्या है, ध्यान दीजिए, लीनियर ग्राफ, इसमें स्लोप की वैल्यू अपने पास, स्लोप जो दे रखा है टेन थीटा का मतलब टेन 45 डिग्री, तो स्लोप जो होगा 1 के बराबर है, स्लोप की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है ना। और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। तो अपने पास पता होना चाहिए कि एक्स बाई एम जो होता है वो के पी की पावर 1/n, दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग एक्स बाई एम दैट विल इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 1/m लॉग पी प्लस साथ में क्या आएगा, लॉग के बराबर, ठीक है ना। अब देखो स्लोप जो दे रखा है वो 1 आएगा, तो स्लोप यहाँ पे क्या 1/n है, 1/n की वैल्यू कितनी होगी 1, और y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 0.30। तो यहाँ से मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ लॉग x बाई एम इज इक्वल टू कितना आएगा, लॉग p प्लस यहाँ पे 0.3010, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, लॉग p
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग टू लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉग टू की वैल्यू जो होती है 0.30। इसको सॉल्व करोगे तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू कितना आएगा, लॉग टू पी, लॉग लॉग हट जाएगा तो एक्स बाई एम की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 2p के बराबर आएगी, ठीक है ना। अब पूछा गया क्या है, आपको 4 bar प्रेशर दे रखा, उस कंडीशन पे आपको एक्स बाई एम की वैल्यू निकालना, तो एक्स बाई एम बराबर क्या है, प्रेशर की जगह मैं 4 लिख लूंगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स बाई एम की वैल्यू कितनी आएगी, 8 के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा कितना आएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलिए 6 वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए 6 वाला प्रॉब्लम क्या है, सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम है। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम जल्दी बहुत बार पूछी जाती है। ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ आइटम ए एंड बी, इन विच ए ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर। ए जो है किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। ए जो है वो बॉडी के सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे ए प्रेजेंट, ठीक है ना। एंड बी इज एट कॉर्नर्स, बी सभी जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, ड्यू टू सम इम्परफेक्शन इन सॉलिड वन कॉर्नर इज लेफ्ट, मतलब ये वाला जो है इसको अनऑक्यूपाई करा दिया आपने पर यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, बी, ए का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर पूरा का 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब बी की जब बात करें, बी कॉर्नर पे प्रेजेंट, टोटल बी कितने आपके पास, 11 ही रहेंगे, क्यों, वैसे टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, सॉरी 8, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना, टोटल कॉर्नर 8 रहेंगे। लेकिन अब कितने बचेंगे अपने पास टोटल कॉर्नर, यहाँ पे आपके पास 7 ही बच पाएंगे, क्यों, क्योंकि एक कॉर्नर यहाँ से हट गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कॉर्नर मतलब पीछे कितने बच गए, 7 बच गए, कितने बच गए, 7, ठीक है ना। अब पीछे आपके पास 7 बच गए और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 के बराबर होता है, ठीक है ना भाई, एक कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसके एटम का यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास रेशियो निकालोगे तो यहाँ से रेशियो आएगा 8:7 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला जो आएगा A8B7 के बराबर आ जाएगा। पूछा गया क्या है, x की वैल्यू पूछी, तो x यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, 8 के बराबर, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा x बराबर कितना आएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए 7th प्रॉब्लम। देखो भाई 7th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, टाइटेनियम, यहाँ पे टाइटेनियम की अगर बात कर रहा हूँ कि टाइटेनियम प्लस n दे रखा जो भी है, ठीक है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो दे रखी है वहाँ पे 1.73 दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। चलो म्यू की वैल्यू 1.73 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 के बराबर। अब टाइटेनियम का को जो कॉन्फिगरेशन है, स्कैंडियम टाइटेनियम D2, आपके पास क्या गैस टू है, हमको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 1 चाहिए, तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, तो इसका मतलब आपको कितने, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ये हटाने पड़ेंगे और इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, मतलब प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तभी D1S0 कॉन्फिगरेशन हो पाएगा। D1S0 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होनी चाहिए टाइटेनियम की कितनी होनी चाहिए, प्लस 3 के बराबर, तो इसका आंसर जो होगा बड़ा कितना आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए 8th वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए 8th वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सपोज 3.1 × 10⁴18 जूल एनर्जी नीडेड टू इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट विल बी नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है SC/λ, ठीक है ना, और जहां तक फोटोन की बात है नंबर ऑफ फोटोन को n मान लेते, एनर्जी कितनी है अपने पास 3.1 × 10⁻¹⁸ जूल में दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन को n हमने मान लिया, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁴⁴, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ λ, लैम्डा की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी दे रखी है 400 नैनोमीटर, तो 400 × 10⁴ कितना आएगा, माइनस का 9, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, 7 के बराबर आएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, इसमें n की वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 7 के बराबर आ जाएगी, तो आंसर इसका कितना होगा, 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए 9th वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए भाई 9th वाला प्रॉब्लम क्या क्या है, 200 ml 5 × 10⁻³⁴ HCl है, ये क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इज मिक्स्ड विद एनोदर 300 ml 5 × 10⁻⁶ NaNH, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में कंबाइन किया, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताना है पीएच का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है, पीएच की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो देखो पहले इन दोनों को मिलीक्विलेंट निकालो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब OH- माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा, OH- माइनस का कंसंट्रेशन जो आएगा वो आपके पास M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाय कितना आएगा, एक तरह से V1 प्लस V2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। OH- माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 300
इनटू यहां पे कितना का 5 इनटू 10 रेस की पावर माइनस 5 माइनस m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 m1 की वैल्यू इतनी है तो आप वैल्यू लिखोगे तो 5 इनटू 10 रेस की पावर माइनस 5 दैट अपॉन में क्या आएगा v1 कितना है 200 प्लस में 7 में कितना आएगा 300 ठीक है ना 5 को आप क्या लीजिए सॉरी 300 माइनस 200 कितना होगा 100 तो यहां पे बचेगा 5 इनटू 10 रेस की पावर माइनस 5 इनटू 100 अपॉन में 500 ठीक है ना अब देखो ये वाला 5 बार कट गया तो यहां से कितना आएगा 100 और 100 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पे 10 रेस की पावर माइनस 5 आ जाएगा ठीक है ना तो यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन जो आया वो 10 रेस की पावर माइनस 7 आया सॉरी 5 आया तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे pH pH की वैल्यू कितनी आएगी 5 तो pH की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस 5 कितनी आएगी 9 के बराबर तो इस सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग pH जो आएगा वो कितना आएगा 9 के बराबर तो इसका आंसर 9 के बराबर आ जाएगा ठीक है भाई चलो थैंक यू वेरी मच